शहर को क्लीन और ग्रीन बनाना नगर पालिका की सबसे अहम जिम्मेदारी रहती है, लेकिन डबरा नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदारी निभाने की बजाय लापरवाह बना हुआ है। ठेकेदारी प्रथा हावी होने के कारण नगर पालिकाओं में होने वाले कार्य भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ रहे हैं। जनता के पैसे का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। नगर पालिका द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे तोड़ी गई दुकानों के मलबे को एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं हटाया गया। दुकानों का मलबा आज भी उसी स्थान पर है। यातायात व्यवस्था ध्वस्त है। मलबा न हटने से शहर के बीचों बीच गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमें प्रशासन द्वारा कोई ठीक स्थान दुकान लगाने के लिए नहीं दिया गया है। आपका और क्या मामला है आपका यहाँ? मैं जब से बैठा हूँ, जब से पुल नहीं बना था, जब से हमारे पिताजी यहाँ बैठ रहे हैं, हम चूड़ी का व्यवसाय करते हैं। अब क्या मामला है आपका, ये दुकानों को लेकर प्रशासन तोड़ रहा है, क्या मामला है? और आप क्या कहाँ, आपके लिए प्रशासन ने कुछ जगह दी है या नहीं दी? कोई पता नहीं क्या हमारे सामने क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी अधिकारी आता है वो धक्का मार के भगाए जाए। फिर आप अपने बच्चे पालना है, क्या करें, घर खाना बच्चों क्या करेंगे। फिर इससे पहले आपने कभी कोई शिकायत की प्रशासन से या कलेक्टर साहब से या स्थानीय नेताओं से? हमने कई बार शिकायत की है, कई बार विज्ञापन दिए हैं, कुछ मतलब कुछ तालाबंदी होती है, कुछ सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन क्या कहता है आपको? कुछ जगह आपको जगह दी जाएगी, आपको आप जगह देख लो, आप जगह चल लो, हम जगह चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग पल्लू भाई, क्या मामला है आपका यहाँ दुकानों को लेकर और यहाँ साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई को लेकर साफ कुछ नहीं है, ये कह रहे थे सफाई करना, सफाई करना, एक साल तो इसी को मटेरियल को मटेरियल नहीं कर पा रहे ये लोग। दुकान लगाते हैं, लगाने नहीं देते। कोई कहता है 50 रुपये बनवा दो, कोई कहता है 100 रुपये बनवा दो। ये पैसे की मांग कौन करता है कि पैसे बनवा दो? लूट वाला आता है ठुल्ला एक, हाँ वो कहता है नगर पालिका एक दो बार ले भी गया, साहब मैदर भी आते हैं, वो कहते हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सामान बदल लेंगे। तो इस तरीके की धमकी देते हैं जी। तो अब आपको दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने कहीं कोई जगह दी है? अभी तो कहीं जगह नहीं दी। तो आपकी मांगे क्या है फिर? हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी मांगे यही है कि हमें दो वक्त का खाना मिल जाए बढ़िया, रोजगार मिल जाए बढ़िया, रहने के लिए दुकान लगाने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए, कहीं भी पुल के नीचे हमको जगह दे दी जाए साहब। इसके बाहर नहीं निकलोगे आप, ये पिलर इसी के अंदर रहोगे, इसके बाहर कोई अगर नेता निकलता तो उसको जुर्माना किया जाए। तो ये सभी दुकानें एक जगह लगे, इससे आप लोगों को ऐसी कोई ऐसी स्कीम बताओ साधन को जो एक जगह लगने लगे, और ऐसा कुछ उपाय है आपके पास? उपाय तो बस यही है कि पुल के नीचे ही एक तरफ इधर को आके थोड़ा पिलर के अंदर को आके इधर लाइन खींच दी जाए, इससे क्या है कि रोड भी ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और दुकानें भी सही लगी रहेंगी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आप यहाँ पुल के नीचे कब से दुकान लगा रहे हैं? और लगभग 15 साल से करीब लगा रहा हूँ यहाँ दुकान। अब क्या मामला है इसको, दुकान को कब? ये मामला है कि अधिकारी लोग आते हैं कभी भी हटा देते हैं हमको। क्या बोलते क्या हैं? ये बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रिज के नीचे कोई दुकान नहीं लगी, हम हटा भी लेते हैं तो क्या है कि फिर भी वो हमको जगह नहीं दे रहे हैं, कहाँ लगाएं हम लोग। जगह दे रहे हैं ऐसी जहाँ पे कोई आने जाने को तैयार नहीं है, चोरियाँ हो जाती हैं, हम लोग अपनी दुकान लगाते रात में चोरी हो जाती हैं। आपकी मांगे क्या है? है? क्या मांग है आपकी साधन से? हमारी मांग ये है कि हमें स्थायी जगह दे दिया, कहीं भी दे दिया, हमें ये जरूरी नहीं है कि यहीं लगाएं हम। प्रशासन ने जगह दी थी आपको उधर मंडी में कहीं, पुरानी मंडी में? हाँ पुरानी मंडी में हमको जगह दी थी, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, सुनसान जगह है, वहाँ पे हमने 2-4 दिन दुकान लगाई, रात में हमारी दुकानों पर कोई हमारी ठेले के पहिए खोल ले जाता, कोई छत तोड़ ले जाता, कोई ठेला उठा ले जाता। इसके बाद उन्होंने मदरसा के पास आग लगा गए, हमारे नुकसान हो गया 15,000 रुपये। मदरसा के पास में भी जगह दी थी आप? वहाँ पे दुकान जगह दी है हमको, लेकिन वहाँ पर रेलवे वाले नहीं लगाने देते।